हे गाइस, हाय, आप लोग का स्वागत है नया स्टाइल टिप्स में। एंड मैं आज आपके लिए NY पे बीबी क्रीम मेकअप लुक लेके आई हूँ, जो कि एक पिंक स्मोकी आई मेकअप लुक भी होने वाला है, यानी कि दो दो मेकअप लुक होगा। सो गाइस, यहाँ मैंने सबसे पहले अपने स्किन केयर रूटीन की है, उसके बाद NYB का प्राइमर लेके उसे अच्छे से पूरे अपने फेस पे लगाया। आप मेरी स्किन केयर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB की ही बीबी क्रीम ली है, जो कि इस मेकअप ट्यूटोरियल में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद एक अच्छे से ब्लेंडिंग वेट ब्लेंडिंग ब्यूटी से उसे पूरा अच्छे से ब्लेंड किया है। आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट जरूर करें, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। उसके बाद मैंने SFR का कंसीलर पैलेट लिया है और अपनी आईज़ को कंसील करने के लिए, अपने अंडर सॉरी डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से एक ब्रश से लगा के उसे एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया है। मैंने इसी कंसीलर को अपने ब्रिज ऑफ द नोट, फोरहेड एरिया पे, लिप्स के ऊपर, लिप्स के नीचे, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ लगा के अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का कॉम्पैक्ट लिया है और उसे एक ब्रश की हेल्प से पूरे मेकअप को सेट किया, अपने बेस को सेट किया। अगर आप मतलब कॉन्टोर करने वाले हैं, क्रीमी कॉन्टोर, तो पहले कॉन्टोर करें, उसके बाद ही अपना बेस सेट करें। उसके बाद मैंने अपनी ब्रोज को अच्छे से सेट करके उसे ब्लू हेवन की ब्रो पेंसिल से सेट किया। मैंने यहाँ पे ज़्यादा सेट नहीं किया क्योंकि मेरी ब्रोज बनी हुई नहीं थी, तो जो देखने में बहुत अजीब लग रही थी। उसके बाद मैंने पिंक कलर का आई शेडो लिया है और उसे एक शेप देते हुए लगा गया है और उसे ब्लेंडिंग ब्रश से फिर उसके बाद ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने नीचे से एक ब्राउन शेड लिया जिसमें हल्का सा पिंक शेड था, उसको भी उसके ऊपर से ब्लेंड किया है। दोनों आई स्पेस से क्या होगा, एक अलग सा पिंक शेड मिलेगा जो कि बहुत प्यारा लगता है देखने में। उसके बाद मैंने आई शेडो पिक करने वाला ब्रश लिया है और अपनी आईलिड पे उसी हल्का सा पिंक शेड, अलग है, मैंने पिंक ही यूज़ किया यहाँ पे, लगाया है और उसे हल्का हल्का ब्लेंड किया उसी ब्रश से। उसके बाद मुझे अपने आईज़ पे थोड़ा सा और लुक चाहिए था, इसलिए मैंने सिमरी शेड लिया। ये सिमरी शेड ऐसा है जिसमें हल्का सा वाइटी शेड भी आ रहा है, उसे लेके अपने सिर्फ आईलिड तक, जहाँ तक हमने वो पिंक शेड अप्लाई किया गया है ना हल्का वाला, वहाँ तक ही लगाना है दोनों आईज पे। उसके बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया है और उसी पिंक शेड को अपनी आईज़ के नीचे लगाया और फिर उसी डार्क मतलब ब्राउन पिंक को लिया है और अपने दोनों आईज़ के नीचे लगा के अपने हाथों से ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का वो लिया है, फेसेस कनाडा का पैलेट लिया है और अपने फेस को कॉन्टूर करें, ये पाउडर कॉन्टूर था, और अच्छे से अपने पूरे फेस को कॉन्टूर कर लूँगी। आप कॉन्टोरिंग अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेस थोड़ा चबली सा है इसलिए मैंने कॉन्टोरिंग की है। अपने नोज़ को हल्का सा कॉन्टोर किया, मैंने बहुत हल्की सी कॉन्टोरिंग की है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करेगा। आप चाहते हो तो अपने फेस को ज़्यादा या फिर आप अपनी क्रीमी बेस वाला कॉन्टोर इस्तेमाल करते। मैंने इसी पैलेट में से ही ब्लश लिया और उसे अच्छे से अपने चिक्स बोन पर अप्लाई किया। आप देखिए कुछ इस तरह से हल्का सा नोक पे, हल्का से अपनी चिन पे भी अप्लाई किया। इसी पैलेट में से मैंने हाइलाइटर लिया क्योंकि मैं अपने फेस को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारा जो पिंक कलर का आई शेडो होता है ना, वो खुद ही एक अलग ही हाईलाइट दे देता है हमारे फेस को, इसलिए मैंने ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद मैंने एडीएस का जेल आइलाइनर लिया और उसे अच्छे से विदाउट विंग देते हुए अपने आँखों पे मतलब आईज पे एक वो क्रिएट किया, आईलाइनर क्रिएट किया है। अब देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ NYB की कोल काजल लिया है और उसे अपनी आईज पे नीचे लगाया। थोड़ा मैंने काजल मोटा लगाया क्योंकि काजल को मुझे हल्का सा मोटा रखना था ताकि मेरी आईज थोड़ी बड़ी बड़ी दिखें। यहाँ पे मैंने ही NYB की लिपस्टिक ली है जो कि मिनी लिपस्टिक है, उसमें से एक न्यूट शेड है, किट 2 में है ये न्यूट शेड, उसको अप्लाई किया। उसके बाद जस्ट इसके बाद पिंक शेड में है, मैं डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकती लेकिन मुझे हल्का सा अलग सा पिंक लुक चाहिए था। उसके बाद मैंने फॉल्स लेसेस अप्लाई करी और एक MN के मस्कारे से उन्हें अच्छे से अपने मर्ज किया है आई लेसेस में। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये लुक कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी, दोनों कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज की इतना ही, बाय बाय।